दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 कूलाम पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज, क्या होता है 1 कूलाम अगर पास हो रहा है 1 सेकेंड में एक पॉइंट, तो उसे क्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा है करेंट का जो फॉर्मूला होता है, करेंट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू क्या होता है दोस्तों कूलाम चार्ज होता है और टी क्या होता है टाइम, या फिर आप अगर करंट को डिफाइन करना चाहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो यहाँ से आप देखेंगे ये क्या बोल रहे हैं, तो सेम वही चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मीन्स कूलाम उसकी यूनिट दी गई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज उसी को क्या कहते हैं करेंट। तो दोस्तों करेंट किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर, ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सर ऑफ एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी, ये मटेरियल साइंस से आप देख सकेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के, मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सर ऑफ एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन एलिमेंट, एन आयन, एन मॉलिक्यूल और एन कंपाउंड, एन कंपाउंड इज द राइट आंसर। अगर आप कई सारे मटेरियल का मिक्सर बनाते हैं तो दोस्तों वो क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ सेमीकंडक्टर एटम, एक सेमीकंडक्टर एटम में कितने बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों एक सेमीकंडक्टर एटम में जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 4 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो एक बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में कितने, सॉरी, एक सेमीकंडक्टर में 4 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें, अ स्विच इज अ डिवाइस, स्विच पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था स्विच क्या है, स्विच इज अ डिवाइस दैट कंप्लीट अ पाथ। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट राइट, सॉरी रॉन्ग आंसर है, होल्ड अ फ्यूज ये भी गलत है, हैज डबल पोल्स ये भी गलत है। अब यहाँ पे ये देखा जाए, ओपन और कंप्लीट अ करंट पाथ, स्विच क्या करता है, या तो ओपन करता है या कंप्लीट करता है करंट पाथ को। तो यहाँ पे दोस्तों ये डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल अपोज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कौन अपोज करता है दोस्तों, कंडक्टर, जी नहीं, कंडक्टर तो इजिली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, एलिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। लेकिन अगर बात करें दोस्तों एलिमेंट की कैटेगरी में ही ये तीनों आ जाएंगे, लेकिन अगर जनरलाइज देखा जाए तो कुछ एलिमेंट में करंट फ्लो करते हैं या फिर आप कह सकेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें हम इंसुलेटर की, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता कि जैसा कि आपने देखा होगा इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो मोर देन एनर्जी बैंड गैप होता है, वो लगभग ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है इसके बीच का गैप। तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं आ पाती कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके, जिससे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसुलेटर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ लीड एसिड बैटरी इज एन एग्जांपल ऑफ, लीड एसिड बैटरी किसका एग्जांपल है दोस्तों, सोलर सेल का, जी नहीं, राइट रॉन्ग आंसर, फ्यूल सेल का नहीं, प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज दोस्तों क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होते हैं जिसको आप सिर्फ एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, सॉरी वो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, ठीक है, नॉन रिचार्जेबल बैटरी, जैसे पहले सेल्स में बैटरी लगती थी, आपके टॉर्च में वगैरह में बैटरी लगती थी, आपके घड़ी में बैटरी लगती है, उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ये सब कौन सी बैटरियाँ होती हैं, प्राइमरी बैटरी होती हैं। लेकिन लीड एसिड बैटरी आपको पता होगा कि इसको हम चार्ज कर सकते हैं, तो इस बैटरीज को दोस्तों सेकेंडरी बैटरी के कैटेगरी में हम कैटेगराइज करेंगे। तो ये आप याद रख लीजिए कि सेकेंडरी बैटरीज वो होते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज को हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को बैटरी वाले क्लास में बताया था, अगर आपने मिस किया है तो आप ऊपर का आई बटन दबा के प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लासेस को मेरे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले लेक्चर, सॉरी अगले। अब दोस्तों एक इजी सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एन अमीटर इज यूज टू मेजर, अमीटर किसके क्या यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होता है वोल्टेज, रॉन्ग, अमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, ये सबको पता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
What is the name of the pressure that moves electron in a closed circuit? जो इलेक्ट्रॉन पे जो प्रेशर लगता है वो किसके थ्रू लगता है? तो दोस्तों वो वोल्टेज के थ्रू लगता है, तो जो उसका नाम है उसी प्रेशर का जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराता है वो क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज यहाँ पे राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी सेल। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या है? रिचार्जेबिलिटी, ये इसकी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकेंडरी सेल की। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, अ शॉर्ट सर्किट विल हैव, शॉर्ट सर्किट के पास क्या? अगर दोस्तों जनरली आप देखते हैं शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो जीरो होता है। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। अब दोस्तों अगर इसको ओम्स लॉ में फिट किया जाए, वी इक्वल्स टू आई आर, आर की वैल्यू अगर जीरो रखा जाए तो शॉर्ट सर्किट केस में जो वोल्टेज होता है दोस्तों वो जीरो हो जाता है। जी आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा, शॉर्ट सर्किट पे जो वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। और अगर उसी फॉर्मूला में देखा जाए वी इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से आई की वैल्यू अगर निकाला जाए तो वी बाई आर मीन्स वी अपान जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? जीरो है। मीन्स आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा इस केस में, ठीक है? तो अगर शॉर्ट सर्किट देखा जाए तो वहाँ पे आप यहाँ से दो पॉइंट निकल के आता है कि शॉर्ट सर्किट के केस में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो जीरो होगी और करंट की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट, या फिर आप कह सकेंगे बहुत ही बड़ी वैल्यू, बहुत ही लार्ज वैल्यू होगी। तो इसके ऑप्शंस अगर देखें, अ स्मॉल करंट फ्लो, ये गलत है क्योंकि अभी आपने देखा बहुत ही लार्ज करंट होता है। अ लार्ज करंट फ्लो, ये राइट आंसर है, ठीक है? तो ये दोनों भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे अ लार्ज करंट फ्लो होता है शॉर्ट सर्किट के केस में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये बेसिक क्वेश्चन है कनेक्टर एंड रिले इन सब के, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब देखा जाए यहाँ पे, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्यूज एंड अ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आप देखते होंगे कि फ्यूज अगर एक बार जल जाता है तो उसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते, मीन्स फ्यूज जो है वो रीयूजेबल नहीं है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को हम रीयूज कर सकते हैं, सर्किट को ब्रेक करके ओपन करके फिर से उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्यूज एंड द सर्किट ब्रेकर इज अ फ्यूज इज स्लोअर, ये रॉन्ग है। अ फ्यूज इज रीयूजेबल, नहीं ये भी गलत है, फ्यूज को हम फिर से यूज नहीं कर सकते। अ सर्किट ब्रेकर इज रीयूजेबल, तो ये सही है। अ सर्किट ब्रेकर इज मोर रिलायबल, नहीं दोस्तों रिलायबल तो आपका फ्यूज ही होता है, क्योंकि जैसे ही हाई वोल्टेज या हाई करंट होगा फ्यूज क्या होगा? जल जाएगा और हमारा जो भी इक्विपमेंट होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन सर्किट ब्रेकर को क्या होता है? मैनुअली ब्रेक या ओपन किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या है? रीयूजेबल है। ये बेसिक डिफरेंस है फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बीच में। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अनलाइक चार्ज रिपेल एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये रॉन्ग है। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, जी हाँ दोस्तों ये सही ऑप्शन है कि लाइक चार्जेज जो सेम चार्जेज होते हैं, जैसे सेम चार्जेज ये लाइक चार्जेज हैं तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर बात करें अलाइक चार्जेज की तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझने वाला भी क्वेश्चन है। व्हेन पैरेलल रजिस्टर आर ऑफ थ्री डिफरेंट वैल्यू, अगर तीन डिफरेंट वैल्यू के पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जहाँ पे, विच हैव द ग्रेटेस्ट पावर लॉस, ठीक है, किसके पास सबसे ज़्यादा पावर का लॉस होगा? अब दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू वन है, ये टू है, ये थ्री है। दोस्तों ये पैरेलल में कनेक्टेड है, मीन्स सबका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अगर इस केस में जो पावर का फॉर्मूला हो जाता है वो दोस्तों क्या हो जाता है? वी स्क्वायर बाई आर, ये पावर का फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में। अब यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज तो दोस्तों सबका सेम है। अब इस रेजिस्टेंस पे वो वैल्यू डिपेंड करेगा कि जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा जो भी होगा उस पे डिपेंड करेगा। तो आप देख सकेंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी तो पावर की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर कह सकेंगे कि पावर का लॉस सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगा जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी। क्या है? द ग्रेटेस्ट पावर लॉस इन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा पावर लॉस होगा अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो। अब दोस्तों ये भी बेसिक क्वेश्चन है, द वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच ऑफ अ पैरेलल सर्किट, किसी भी पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, इज इक्वली अप्लाइड टू अ ब्रांच ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है?
अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैपेंड टू टोटल रेजिस्टेंस इफ अ सर्किट विथ पैरेलल रजिस्टर इफ वन ऑफ देम इज ओपन। मीन्स पैरेलल रजिस्टेंस में, पैरेलल में कुछ रजिस्टेंस कनेक्टेड है और अगर आप किसी एक रजिस्टेंस को हटा देते हैं या फिर उड़ा देते हैं, ओपन सर्किट में कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस के केस में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस केस में दोस्तों क्या है, अगर आप पैरेलल रजिस्टेंस को हटा देते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन द गिवन सर्किट चैनल वन ऑफ द स्टीरियो एम्पलीफायर आउटपुट इज 12 वोल्ट। एक का आउटपुट क्या है दोस्तों, 12 वोल्ट है और दूसरे का भी। हाउ मच टोटल करेंट इज द एम्पलीफायर प्रोवाइडिंग टू द स्पीकर। ठीक है, एम्पलीफायर जो है वो कितना करेंट दे रहा है, टोटल करंट कितना दे रहा है। अब ये 8 ओम का रेजिस्टेंस इससे कनेक्टेड है, 8 ओम रेजिस्टेंस इस स्पीकर का है और आप देख रहे होंगे ये पैरेलल में कनेक्टेड है और जो वोल्टेज है दोस्तों वो क्या है, 12 वोल्टेज है। तो वोल्टेज हर जगह पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका भी वोल्टेज, इस पर भी जो वोल्टेज अप्लाइड होगा वो 12 वोल्ट होगा और इस पर भी 12 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसमें कितना करंट आएगा दोस्तों वो आप कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, 12/8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। तो 1.5 एम्पियर इस स्पीकर में करंट आ रहा है और 1.5 एम्पियर दूसरे स्पीकर में करंट आ रहा है। तो जो टोटल करंट हो जाएगा दोस्तों, ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस नोड पे अगर हम देखेंगे तो 1.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 3 एम्पियर का करंट टोटल ये एम्पलीफायर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और पूछा जा रहा है टोटल रेजिस्टेंस क्या है। दोस्तों इसका एक सिंपल सा जो तरीका है, शॉर्टकट है, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा ओम रेजिस्टेंस कितने ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों, 1K का रेजिस्टेंस सबसे छोटा रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट में जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो इसकी आंसर आएगा दोस्तों वो 1K से छोटा ही आएगा, या तो वो 706 ओम आ सकता है या तो 353 ओम आ सकता है। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे पैरेलल का इक्विवेलेंट तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश किया कि अगर आप यहाँ पे जैसे अगर 353 ऑप्शन में नहीं होता तो सिंपली आप 705 पे आंसर टिक मारते और आगे बढ़ जाते, और अगर 706 आंसर में ऑप्शन में नहीं रहता तो आप 353 पे लगा के चले जाते। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसका ये, मैं वो एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों ये किरचाप करंट लॉ के बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा किरचाप करंट लॉ होता क्या है। द सम ऑफ टोटल करंट फॉलोइंग आउट ए जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द दैट जंक्शन। तो ये होता है किरचाप करंट लॉ KCL के बारे में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ पैरेलल सर्किट इज ऑल्सो यूज एज अ डिवाइडर फॉर। पैरेलल में हमेशा दोस्तों वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, कंडक्टेंस को भी वो डिवाइड नहीं करता, ना ही पावर को डिवाइड करता है, ये सब डिवाइड नहीं होते पैरेलल से, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम करंट की बात करें दोस्तों तो करंट क्या होता है, डिवाइड होता है पैरेलल सर्किटरीज में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट इज RT फॉर 15 2 मेगा ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मीन्स 15 2 मेगा ओम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने नंबर आप सेम पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं सिंपली आपको उसे डिवाइड करना होता है। तो 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है और पैरेलल में 15 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो 15 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इससे आपको जब 15 से आप डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा 133 ओम। अब अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द कॉमन रेफरेंस फॉर अ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में किसको रेफरेंस मानते हैं दोस्तों, वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों सारे क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से आपने दिया होगा और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा कि हाँ मैं ऐसे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजली तरीके से दे सकूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।